मूवी स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर टू के सीन से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मिसेस पवेंसी अपने बच्चों पीटर, सुजन, एडमंड और लूसी को बॉम्बिंग होने पर घर से निकाल कर बंकर में लेकर जाती है। और उधर हमें एडमंड के अपने फादर की पिक्चर लेकर आने से पता चलता है कि उनके फादर सोल्जर्स के साथ वॉर में लड़ रहे हैं। अगली सुबह मिसेस पवेंसी बच्चों को वॉर जोन से निकालने के लिए ट्रेन पर बिठाती सबर्ब्स की तरफ भेज देती है, जहाँ पूछने पर मिसेस मैकग्रेडी पिक करके घर लाती है, जहां वो प्रोफेसर किक के साथ रहती है और रूल समझाते हुए बताती है कि उन्होंने प्रोफेसर को डिस्टर्ब नहीं करना और किसी आर्टिफैक्ट को भी हाथ नहीं लगाना, और ये बताकर वो उन्हें उनके रूम्स में छोड़ जाती है। सब अगले दिन तक रूम में ही बोर होते रहते हैं, तो लूसी हाइड एंड सीक खेलने पर कन्विंस करती है, और जब पीटर काउंट करने लगता है तो सब छुपने चले जाते हैं। लूसी छुपने के लिए जगह ढूंढते हुए स्पेयर रूम में आती है, जहां उसे कवर्ड वार्डरोब मिलता है, जिसमें छुपती हुई पीछे होती है तो किसी फॉरेस्ट में निकल आती है, जहां स्नो फॉलिंग हो रही होती है। लूसी खुश होते हुए फॉरेस्ट में बढ़ती है तो उसे एक लैंप पोस्ट दिखता है, जिसके पास जाकर उसे देखते हुए उधर एक क्रिएचर फॉर्न आता है, जो हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन है और उसका नाम टंगनस है। वो लूसी को देख कर डर जाता है, लेकिन जब लूसी उसके पास आकर उसे बताती है कि वो कैसे अंदर आई है, तो वो समझ जाता है कि वो ईव की डॉटर यानी ह्यूमन है। वो लूसी को बताता है कि वो नार्निया में है और वो उसे अपने साथ टी के लिए अपने घर ले जाता है, जहां वो बताता है कि नार्निया में 100 साल से विंटर ही है। और बातों ही बातों में वो फ्लूट प्ले करता फॉन्स की लोरी सुनाता है, जिस पर फायर डांस करने लग जाती है, और उससे फैसिनेटेड होती लूसी उसे देखते हुए ही सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि टंगनस साइड पर बैठा रो रहा है, जिसकी वजह पूछने पर वो लूसी को बताता है कि नार्निया पर व्हाइट विच रूल करती है, जिसने फॉरेस्ट में सारा टाइम विंटर किया हुआ है, और उसी का रूल है कि कोई ह्यूमन नार्निया आए तो उसे क्वीन के पास लेकर जाए, जिसकी वजह से टंगनस को भी यही करना होगा। लेकिन वो लूसी को अपना दोस्त कहने पर फौरन घर से बाहर लैंप पोस्ट के पास ले जाता है, वहाँ से जाने का कहता है। लूसी जाते हुए उसे अपना हैंडकरचीफ दे जाती है। लूसी नार्निया से निकल कर वार्डरोब से होती हुई घर आती है तो कोई टाइम नहीं गुजरा होता, जिस पर हैरान होते हुए वो सबको नार्निया का और टंगनस का बताती है। लेकिन वो जब वार्डरोब चेक करते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं होता, जिस पर वो समझते हैं कि लूसी झूठ बोल रही है और उस पर यकीन नहीं करते हैं। लूसी सारा दिन इसी बारे में सोचती रहती है, इसलिए रात को जब सब सो जाते हैं तो वो अकेली वार्डरोब की तरफ जाती है, और एडमंड भी छुप कर उसके पीछे पीछे वार्डरोब में जाता नार्निया में निकल आता है। वो लैंप पोस्ट के पास आकर लूसी को आवाज दे रहा होता है कि उधर राइट पर बैठी व्हाइट विच आती है, जिसे एडमंड नर्वस होने पर सब बता देता है कि उसकी दो बहनें हैं और एक भाई है, साथ ही टंगनस का भी बता देता है, जिसे सुनकर विच उसे अपने साथ बिठाती है, उसे टर्किश डिलाइट देती है और उसे कहती है कि उसके अपने किड्स नहीं है, इसलिए वो उसके सिबलिंग से मिलना चाहती है, जिसके लिए वो एडमंड को अपने सिबलिंग्स को दो हिल्स के बीच में मौजूद अपने कैसल आने का कहती है, और उसे बताती है कि वो उसका सन बनने पर प्रिंस और उसके बाद किंग बन सकता है। वो उसे समझा कर चली जाती है तो लूसी वहाँ आती है, जो उसे देख कर खुश होती है, और वो उसे कहती है कि उन्हें व्हाइट विच के पता चलने से पहले निकल जाना चाहिए, और व्हाइट विच की डिस्क्रिप्शन सुनकर एडमंड डर जाता है। वो दोनों वार्डरोब से घर वापस आते हैं तो लूसी खुशी खुशी पीटर और सुजन को उठाकर बताती है कि वो सच बोल रही थी, क्योंकि एडमंड भी वहाँ गया था। लेकिन एडमंड उनके सामने लूसी का मजाक उड़ाता उसकी बात से इनकार कर देता है, जिस पर लूसी रोते हुए रूम से बाहर भागती है और सुजन और पीटर उसके पीछे भागते हैं। लूसी की टक्कर प्रोफेसर किक से होती है, जो लूसी को मिसेस मैकग्रेडी के हवाले करके सुजन और पीटर को अपने ऑफिस लेकर जाते हैं, जहां वो दोनों लूसी की नानिया के बारे में स्टोरीज बताते हैं, तो प्रोफेसर खुश होते हुए कहते हैं कि लूसी सच बोल रही होगी, साथ वो उन्हें समझाते हैं कि हर चीज लॉजिकली नहीं देखी जाती है। अगले दिन एडमंड पीटर और सुजन क्रिकेट खेल रहे होते हैं और लूसी पास बैठी होती है कि एडमंड बॉल को हिट करता है, जो विंडो तोड़कर घर में आर्टिफैक्ट तोड़ देता है। वो चारों मिसेस मैकग्रेडी की आवाज सुनकर डरते छुपने के लिए जगह ढूंढने लग जाते हैं और उनसे बचते हुए वार्डरोब में छुप जाते हैं, जहाँ से वो नार्निया निकल आती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि लूसी सच बोल रही थी। इसलिए पीटर माफी मांगता है और लूसी उन्हें अपने साथ लिए टंगनस
टमनस से मिलवाने लेकर जाती है, जहाँ टमनस का घर खराब हुआ होता है और वाइट विच का नोटिस लगा होता है कि टमनस को ह्यूमन के साथ इंगेज करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है। ये पढ़कर सूजन वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन लूसी कहती है कि टमनस उनकी वजह से पकड़ा गया है, इसलिए उन्हें टमनस को बचाना चाहिए, और एडमिन इस बात के खिलाफ होता है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, जिस पर वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें बीवर मिलता है जो लूसी को उसका हैंडकरचीफ वापस करता है और बात करने के लिए साथ चलने का कहता है, क्योंकि ट्रीस क्वीन को बातें बता देती होती हैं। बीवर की बात पर सूजन और एडमिन राजी नहीं होते, लेकिन पीटर और लूसी के आगे बढ़ने पर साथ चल पड़ते हैं। बीवर उन्हें अपने घर लेकर जाता है तो वो उसकी वाइफ से मिलते हैं और वो डिनर करते हुए इन चारों को एसलंग का बताते हैं कि वो असल में नार्निया का किंग है जो उन चारों के आने का वेट कर रहा था ताकि वो वाइट विच से किंगडम ले सके, क्योंकि उनकी प्रोफेसी है कि एडम के टू सन्स और ईव की टू डॉटर्स नार्निया आकर थ्रोन पर बैठेंगे तो वाइट विच की गवर्नेंस खत्म हो जाएगी। साथ ही बताता है कि एसलंग ने उनके लिए आर्मी भी जमा कर रखी थी। ये सब सुनकर पीटर और सूजन परेशान होते हैं कि वो किसी वॉर में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए वो एडमंड और लूसी को लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं कि उन्हें पता चलता है कि एडमंड उनकी बातों के दौरान ही वहाँ से भाग चुका है। बीवर समझ जाता है कि वो व्हाइट विच के पास जा रहा है, इसलिए वो उसे रोकने के लिए बाकी सिबलिंग्स को लेकर जाता है, लेकिन उनके सामने एडमंड कैसल के अंदर चला जाता है और बीवर बाकियों को उनके पीछे जाने से रोकता है, क्योंकि व्हाइट विच एडमंड को एज अ बेट यूज करके उन सबको कैसल में बुलाकर मारना चाहती थी ताकि उसका थ्रोन ना लिया जा सके। बीवर उन्हें समझाता है कि एडमंड को बचाने में उनकी हेल्प सिर्फ एसलंग कर सकता है, जिस पर वो उसके पास ले जाने का कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ एडमंड कैसल के यार्ड में क्रिएचर को फ्रीज हुए देखता है, जिन्हें देखते हुए ही विच का वुल्फ मॉग्रिम मिलता है जो उसे व्हाइट विच के पास ले जाता है, और व्हाइट विच एडमंड को अकेला देख कर गुस्सा करती है, जिस पर एडमंड बता देता है कि उसके सिबलिंग्स बीवर के पास हैं, साथ ही उनके घर की लोकेशन भी बता देता है। क्वीन एडमंड को डंजन्स में भिजवाने का ऑर्डर देकर मॉग्रिम को ऑर्डर्स देती है कि वो वुल्फ्स के साथ बीवर्स के घर जाए। वुल्फ्स ऑर्डर मानकर बीवर्स के घर जाते हैं तो बीवर्स तीनों सिबलिंग्स को साथ लेकर टनल से होते घर से बाहर ले आते हैं, जहाँ उन्हें एक फॉक्स मिलता है जो एसलंग का साथी होता है और वो उन्हें ट्री पर छुपाता है और खुद वुल्फ्स के सामने आकर कहता है कि उसे ह्यूमंस का नहीं पता, जिस पर वुल्फ उसे बाइट करते हैं तो वो उन्हें ह्यूमंस के नॉर्थ जाने का कहता है और उनके जाने पर बीवर्स और सिबलिंग्स रात वही गुजारते हैं। उधर व्हाइट विच को सिबलिंग्स के ना मिलने का पता चलता है तो वो डंजन्स में आती है, जहाँ टमनस और एडमंड साथ चेंड होते हैं, और जब व्हाइट विच एडमंड से सिबलिंग्स के वेयर अबाउट्स पूछती है तो वो एसलंग का नाम ले लेता है, जिसके आगे कुछ बताने से पहले ही टमनस इंटरफेयर करता है तो एडमंड कुछ ना जानने का ड्रामा करता है, जिस पर व्हाइट विच टमनस को बताती है कि एडमंड ने ही उसका राज बताकर उसे पकड़वाया था। वो एडमंड के बिट्रेयल का बताकर टमनस को गार्ड के साथ बाहर भेज देती है और अपनी राइड तैयार करने का कहती है। उधर बीवर सिबलिंग्स को लेकर एसलंग के पास ले जाने के लिए फ्रोजन रिवर से गुजरने का रास्ता बताते हैं और उन्हें उसकी तरफ लेकर निकल जाते हैं। इधर क्वीन एडमंड को अपने साथ लेकर जाने के लिए बाहर लाती है तो एडमंड देखता है कि टमनस को विच ने फ्रीज कर दिया है और व्हाइट विच उसे अपने साथ राइड पर बिठाए सिबलिंग्स के पीछे निकल जाती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं सिबलिंग्स पर, जो सफर करते जा रहे होते हैं तो उन्हें व्हाइट विच जैसी राइड दिखती है, जिससे वो समझते हैं कि क्वीन उन तक पहुंच गई है, इसलिए वो उससे छुप जाते हैं। लेकिन बीवर चेक करने जाता है तो वो सबको बाहर आने का कहता है। सब बाहर आते हैं तो उन्हें फादर क्रिसमस मिलते हैं, जो ये साइन होता है कि सिबलिंग्स के आने से व्हाइट विच की गवर्नेंस खत्म होने लग गई है, और फादर क्रिसमस उनको यही बताते हुए गिफ्ट देते हैं, जिसमें लूसी को कॉर्डियल देते हैं जो सब इंजरीज को हील कर सकता है, साथ ही एक डैगर भी देते हैं। सूजन को वो बो और एरोस देते हैं, साथ ही मैजिकल हॉर्न देते हैं जिसे ब्लो करने पर सूजन के लिए हेल्प आ जाएगी, और पीटर को वो स्वॉर्ड और शील्ड देते हैं। वो उन्हें बताती है कि विंटर खत्म होने वाला है और चले जाते हैं।
हैं और उनके जाने पर पीटर को ख्याल आता है कि अगर विंटर खत्म होने वाला है तो ये रिवर भी मेल्ट हो जाएगा। और जब वो रिवर की तरफ इशारा करता है तो वाकई वो मेल्ट हो रहा होता है। वो फौरन उसे क्रॉस करने के लिए वहाँ जाते हैं तो वुल्फ्स उनके पास आते हैं और उनकी निगोसिएशन की कोशिश के दौरान ही आइस मेल्ट हो जाती है, जिससे बचते हुए सिबलिंग्स और बीवर निकल जाते हैं। लेकिन वुल्फ्स आइस के नीचे आ जाते हैं। सिबलिंग्स और बीवर्स फॉरेस्ट में निकलते हैं तो देखते हैं कि स्नो मेल्ट होने पर समर आने लग गया है और वो वहाँ से एसलान के कैंप की तरफ निकल जाते हैं। उनके पीछे से व्हाइट विच रिवर के पास आती है तो वुल्फ्स उसके पास फॉक्स को लाते हैं, साथ ही उसके एसलान का साथी होने का बताते हैं। और जब फॉक्स व्हाइट विच के पूछने पर कुछ नहीं बताता तो व्हाइट विच उसको मारने लगती है। लेकिन एडविन उसको बचाने के लिए व्हाइट विच को बता देता है कि एसलान आर्मी जमा कर रहा है और उसकी लोकेशन भी बता देता है। फॉक्स डिसअपॉइंटेड उसकी तरफ देखता रहता है, जबकि व्हाइट विच बहुत खुश होती है लेकिन उसके सामने फॉक्स को फ्रीज कर देती है और एडविन को हिट करके एक साइड चूज करने को कहती है और फिर वो उसको आर्मी जमा करने का कहती है ताकि वो एसलान से वॉर कर सके। उधर सिबलिंग्स बीवर के साथ कैंप जाते हैं तो सब क्रिएचर्स उन्हें देखकर नील करते हैं और वहाँ एसलान भी आता है जो कि एक ह्यूज नोबल लायन है। वो सिर्फ 3 सिबलिंग्स को देखकर एडविन का पूछता है तो पीटर उसके बिट्रेयल का बता देता है, जिस पर क्रिएचर्स गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन जब सिबलिंग्स उसे डिफेंड करते हैं तो एसलान पीटर से बात करके उससे प्रॉमिस करता है कि वो एडविन को जरूर बचा लाएगा। सुजन और लूसी उनकी बात के दौरान रिवर के पास खेल रही होती है कि मॉगरिम एक और वुल्फ के साथ उनको मारने आता है, जिस पर सुजन अपना हॉर्न बजाती है, जो सुनकर एसलान उसकी क्रिएचर्स और पीटर आता है। एसलान सबको रोक देता है कि पीटर को खुद कुछ सीखना होगा, जो सुनकर पीटर हिम्मत करता है और जब मॉगरिम उस पर अटैक करता है तो वो उसे मार देता है। दूसरा वुल्फ ये देखकर भागता है तो एसलान अपने क्रिएचर्स उसके पीछे भेजता है ताकि वो एडविन तक लीड करें और खुद पीटर को नाइट का टाइटल दे देता है। उधर क्रिएचर्स वुल्फ का पीछा करते करते एडविन तक पहुंच जाते हैं और उसे छुड़वा कर ले आते हैं। उनके जाने के बाद व्हाइट विच को पता चलता है कि एडविन बच गया है। इधर एडविन को एसलान के कैंप लाया जाता है तो एसलान उसके पास्ट की गलतियां माफ कर देता है और सिबलिंग्स को भी सब भूलने का कहता है, जिसको मानते हुए वो एडविन के साथ नॉर्मल हो जाते हैं और मिलकर लंच करते हैं, जिसके दौरान पीटर उन्हें कहता है कि वो अकेला रहकर वॉर लड़ेगा लेकिन बाकी सबको घर वापस जाना होगा। मगर वो उसके खिलाफ होते हैं और एडविन कहता है कि उसने व्हाइट विच की पावर्स देखी हैं, जिसकी वजह से वो इन लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। सब उससे एग्री करते हैं तो वो वॉर की तैयारी करने लग जाते हैं। सुजन बो और एरो से अपना टारगेट प्रैक्टिस करने लग जाती है। लूसी अपना डैगर एम करना सीखती है, जबकि पीटर और एडविन हॉर्स राइडिंग और स्वॉर्ड फाइटिंग सीखने लग जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस के दौरान बीवर व्हाइट विच की एसलान से मुलाकात का बताता है, जिस पर वो सबके साथ एसलान के सामने खड़े हो जाते हैं। व्हाइट विच आगे आती है तो वो एसलान को लॉस याद दिलाती कहती है कि हर ट्रेडर उसका पोजेशन होता है, इसलिए उसे एडविन वापस करना होगा, जिस पर बार्गेनिंग करने के लिए एसलान उसे अपने टेंट में ले जाता है, जहाँ से थोड़ी देर बाद निकल कर वो अनाउंस करता है कि एडविन व्हाइट विच के साथ नहीं जाएगा। सब खुश हो जाते हैं और व्हाइट विच वहाँ से चली जाती है, जबकि लूसी देखती है कि एसलान सैड हुआ टेंट में वापस चला गया है। रात होती है तो लूसी एसलान को कहीं जाते देखती है, जिस पर वो सुजन को साथ लिए एसलान को फॉलो करती है, जिसका पता एसलान को चल जाता है और वो उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो उन्हें वापस मुड़ने का कहकर बाय करता आगे बढ़ जाता है। लूसी और सुजन उसकी ना मानते हुए पीछे जाकर छुप कर देखते हैं कि एसलान स्टोन टेबल के पास मौजूद व्हाइट विच की आर्मी के पास गया है और व्हाइट विच ने उसे बांध कर शेव करवा कर अपने पास टेबल पर रखवाया है। व्हाइट विच की बातों से पता चलता है कि एसलान ने एडविन की जान के लिए अपनी जान बदले में दी थी, लेकिन वो एसलान को भी मारना चाहती है और वार करके बाकी सब को भी खत्म करना चाहती है। इसीलिए वो सबके सामने एसलान को स्टैक करके मार देती है और फिर अपनी आर्मी को वॉर के लिए तैयार करने ले जाती है। उसके जाने के बाद सुजन और लूसी एसलान के पास आते हैं तो लूसी उसे कॉर्डियल पिलाने लगती है, लेकिन सुजन उसे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, जिस पर लूसी रुक जाती है और वो दोनों एसलान के पास रो रहे होते हैं कि कुछ माउसेस एसलान की रोब्स खोल देते हैं। सुजन लूसी को कहती है कि उन्हें सबको बताने के लिए
वापस जाना होगा। लेकिन लूसी एसलम को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो ट्रीज को मैसेज पहुंचाने का कहती है और ट्रीज की लीव्स और फ्लावर्स उड़ते हुए कैंप की तरफ जाते हैं और ह्यूमन बनकर पीटर और एडमंड को मैसेज दे देते हैं। मैसेज मिलने पर एडमंड पीटर को कन्विंस करता है कि उसे आर्मी लीड करके वॉर में जाना चाहिए क्योंकि एसलम के बाद उनके पास और कोई नहीं है, और पीटर रिलक्टेंटली उसके बाद मानता अपनी आर्मी लिए बैटल ग्राउंड पहुंचता है जहां व्हाइट विच की ह्यूज आर्मी मौजूद होती है। व्हाइट विच के कहने पर आर्मी आगे बढ़ती है तो पीटर पहले बर्ड क्रिएचर्स को भेजता है जो रॉक्स फेंककर आर्मी को खत्म करते जाते हैं। फिर पीटर बाकी क्रिएचर्स को लेकर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उधर एसलम के पास सोती सूजन और लूसी जाने लगती है तो देखते हैं कि टेबल क्रैक हो गया है और एसलम जिंदा हो गया है, जो उनके पूछने पर बताता है कि लॉस के मुताबिक अगर इनोसेंट विक्टिम को मारा जाएगा तो टेबल क्रैक हो जाता है और डेड विक्टिम जिंदा हो जाता है। सूजन उसे वॉर शुरू होने का बताती है तो वो उन्हें अपने ऊपर बिठाए कैसल की तरफ ले जाता है जहां उस सारे फ्रीज हुए क्रिएचर्स को ब्लॉक करके जिंदा करता है और उन्हें लेकर वॉर की तरफ बढ़ता है। इधर वॉर में हारता देखकर पीटर अपनी आर्मी को मुड़ने का कहता है और जब वो मुड़ रहे होते हैं तो व्हाइट विच का साथी पीटर को हॉर्स से गिरा देता है, जिस पर दो क्रिएचर्स पीटर को बचाने के लिए क्वीन को मारने जाते हैं और दोनों को मार दिया जाता है। ये देखकर वॉर दोबारा स्टार्ट हो जाती है, जिस पर पीटर एडमंड को कहता है कि वो सिस्टर्स को ढूंढ कर घर वापस चला जाए और बीवर उसको साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन एडमंड विच को पीटर की तरफ बढ़ता देखकर वापस मुड़ता है और व्हाइट विच का फ्रीज करने वाला स्टाफ तोड़ देता है। व्हाइट विच अपने स्वॉर्ड्स लेकर एडमंड में घुसाती उसे दूर फेंकती है तो पीटर उससे लड़ने आता है और दोनों की इंटेंस लड़ाई होती है, जिसके दौरान एसलान अपनी आर्मी लेकर आ जाता है। व्हाइट विच पीटर से दोबारा फाइट स्टार्ट करती है तो पीटर जख्मी होकर गिर जाता है और व्हाइट विच उसे मारने लगती है कि एसलान उस पर अटैक करके उससे मार देता है, जिसके बाद लूसी एडमंड को कॉर्डियल देकर हील करती है और उसे हील होता देखकर वो बाकी आर्मी को भी हील करती जाती है, जबकि एसलान फ्रीज हुए क्रिएचर्स को ब्लो करके जिंदा करता जाता है। वॉर के बाद एसलान सिबलिंग्स को कैसल ले जाकर किंग्स और क्वींस बना देता है, फिर खुद वहाँ से चला जाता है, जिस पर लूसी रोती है तो टर्मनस उसे तसल्ली देता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। 15 साल बाद सिबलिंग्स नार्निया पर रूल कर रहे होते हैं कि एक दिन वो हंट करने फॉरेस्ट जाते हैं जहाँ उन्हें लैम्प पोस्ट दिखता है, जिस पर लूसी को स्पेयर रूम याद आता है और वो सबको लेकर वार्डरोब ढूंढने चल पड़ती है। सब उसके पीछे पीछे वार्डरोब में आते हैं तो वो स्पेयर रूम में निकल आते हैं जहाँ वो उसी टाइम में वापस आती है जिस टाइम में वो वार्डरोब में गए थे, यानी वो वापस यंग बच्चे बन जाते हैं और उनकी मुलाकात प्रोफेसर केक से होती है जो उनकी बात पर यकीन करते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।